हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे प्लम्बर ब्लॉक पेडेस्टल बियरिंग इन मशीन ड्राइंग। आज हम मशीन ड्राइंग में जानेंगे प्लम्बर ब्लॉक पेडेस्टल बियरिंग क्या होती है, और इसका आज हम जो है फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सेक्शनल फ्रंट व्यू आज हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर डिटेल ड्रॉइंग गिवन है प्लम्बर ब्लॉक की। इन डिटेल ड्राइंग से आपको असेंबली इसकी तैयार करनी है फ्रंट व्यू की आज इस वीडियो में। तो आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि बियरिंग का कार्य क्या होता है। बियरिंग का कार्य होता है आपकी शाफ्ट को, जो आपकी शाफ्ट होती है उसको क्या करें, सपोर्ट दें। उसको सपोर्ट देने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, बियरिंग का यूज़ करते हैं। तो ये भी एक बियरिंग है जो कि हॉरिजॉन्टल शाफ्ट को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर देखिए, इसका नाम पेडेस्टल बियरिंग भी है और प्लम्बर ब्लॉक भी। तो अब आप देखिए कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी ये होती है कास्टिंग, दूसरा इसका पार्ट है कैप, थर्ड पार्ट है यहाँ पर देखिए आप ब्रास, फोर्थ पार्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बोल्ट है, लॉक नट है और नट हैं और ब्रास हैं और स्नग। इतने पार्ट से मिलकर ये आपका बना हुआ है पेडेस्टल बियरिंग। तो इन पार्ट्स की मदद से आप क्या ड्रॉ करेंगे, इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, वो भी लेफ्ट हाफ इन सेक्शन आप यहाँ पर इसका ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए आपको ड्रॉ करना है लेफ्ट हैंड साइड फ्रंट व्यू। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे बड़ा पार्ट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है वो है आपकी कास्टिंग। तो सबसे पहले आप कास्टिंग में यहाँ पर आप ये फ्रंट व्यू देख रहे हैं, इसको ड्रॉ करेंगे। इसके लिए आपको देखिए कास्टिंग की जो यहाँ पर ये लेंथ है ये कितनी है, 174। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले 174 क्या करनी पड़ेगी, लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरीके से देखेंगे आप, इस प्रकार यहाँ से मैं ले रहा हूँ, इस तरीके से यहाँ तक आपका हो गया 160। और 160 से आप कितना आगे जाएंगे, 16 और आगे जाएंगे। देखिए 16 और आगे जाएंगे तो आप यहाँ पर बना लेंगे 176। तो ये लेंथ आपने बना ली 176। इसके बाद आपको यहाँ पर 11 हाइट जानी है। देखिए कितनी हाइट जाएंगे आप, 11 आप यहाँ पर हाइट चले गए हैं। इसके बाद आप देखिए एक और आप इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए इस तरीके से, और यहाँ पर आप तीन तीन का पॉइंट लगा ले, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है कि तीन कम आपको यहाँ ऊपर लेनी है, कितना कम लेना है, तीन। तो यहीं तक आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, यानी ये लाइन आपको यहाँ से तीन कम ड्रॉ करनी है। फिर इस प्रकार आप इसको ज्वाइन कर लेंगे, देखिए इस प्रकार। ऐसे ही यहाँ पर भी आपको कितना कम लेना है, तीन कम लेना है, कितना कम लेना है, तीन कम लेना है। और यहाँ पर आप ये पॉइंट लगा लें, इससे इस पॉइंट को जोड़ दें इस प्रकार। तो आपने यहाँ पर इसका एक बेस जो है कास्टिंग का वो आप ड्रॉ कर चुके हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, इसका आप हाफ ले लेंगे, 174 का हाफ जो आपके पास आएगा 87, जो आपके पास आएगा 87। तो देखिए यहाँ से मैं 87 का मार्क लगा लेता हूँ, और यहाँ से एक वर्टिकल सेंटर लाइन, कैसे सेंटर लाइन, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर सेंटर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। देखिए इस प्रकार हमने एक ऊर्ध्वाधर सेंटर लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ की। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है। यहाँ देखिए आप, बीच में आपको 8 डिस्टेंस रखनी है, यानी 4 इस साइड और 4 इस साइड आपने यहाँ पर डिस्टेंस रखी इस प्रकार। और यहाँ से आपको देखिए इस तरीके से यहाँ पर देखिए कि होल टाइप का आपको बनाना है इस प्रकार। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आपको 10 लेना है गैप, इस तरीके से 10 आपने गैप लिया, सेम एज इट इज़ आप यहाँ से भी लेंगे 10 गैप इस तरीके से। और कितना अबव जाएंगे यहाँ से, यहाँ से आप देखिए कितना अबव जाएंगे, 2 mm आप यहाँ से अबव गए इस तरीके से, देखिए। और यहाँ पर आप यहाँ पर सेम एज इट इज़ जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है इस प्रकार से आपने यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया, सेम एज इट इज़ एज गिवन इन क्वेश्चन। देखिए इस साइड भी आप ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, ये देखिए इस प्रकार आपने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको CRS यहाँ पर ये जिसमें बोल्ट आप यहाँ पर फिट करेंगे, ये आपको बनाना है 134, यानी इसका मतलब आएगा 67। आपको इस साइड जाना है, देखिए 67 इस प्रकार, ये देखिए। और यहाँ पर इस तरीके से ये पॉइंट आ गया, यहाँ से आप एक वर्टिकल सेंटर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर आप बोल्ट आदि फिट करेंगे, देखिए बोल्ट आदि आप यहाँ पर फिट कर देंगे, देखिए इस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपको कितनी हाइट जानी है, वो आपको यहाँ बेस से गिवन है 54। कितना जाएंगे आप, 54। तो यहाँ पर आप 54 का मार्क लगा लें, देखिए
इस तरीके से 54 में गया, ऐसे यहाँ पर मार्क आउट कर दिया पॉइंट। अब आप देखिए यहाँ से आपको कितना जाना है, तो सबसे पहले कह रहे हैं आप यहाँ से कितना जाएंगे 44, तो 22 इस साइड और 22 आप इस साइड जाएंगे। देखिए इस प्रकार 22 इस साइड, 22 इस साइड आप गए। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए कितना आप यहाँ पर नीचे आ रहे हैं, 13, तो 13 आप दोनों साइड से आएंगे नीचे, 13 आप इधर से आए, 13 ही आप इधर से नीचे आ गए। इसके बाद आप देखिए कितना आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप 13 आने के बाद फिर 3 जाएंगे, कितना जाएंगे 3 जाएंगे, और यहाँ पर आप देखिए कितना यहाँ पर अंदर जा रहा है, ये इन्होंने यहाँ पर हमें डिस्टेंस दी नहीं है कि यहाँ पर ये यहाँ पर कितना अंदर जा रहा है, तो इसने सिर्फ हमें ये डिस्टेंस दी है कि यहाँ से कितना ये नीचे आएगा, 3 नीचे आएगा। इस तरीके से, इस तरीके से आप यहाँ से 3 नीचे आ जाइए, इस प्रकार कितना नीचे आएंगे आप, 3 नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से 3 हम नीचे आ गए और 3 यहाँ से भी आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ से आपको एक सेंटर पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा, सेंटर पॉइंट मिलेगा, मान लीजिए ये आपको यहाँ पर सेंटर पॉइंट मिला। इस सेंटर पॉइंट से आपको रेडियस मारनी है 19 की, कितनी 19 आप यहाँ से रेडियस ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस प्रकार मैं इस पॉइंट पर रेडियस रखता हूँ और 19 कितना 19 यहाँ से इस तरीके से आप देखिए ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से कितना ड्रॉ किया हमने 19 का सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, देखिए ऐसे सेम आप इसकी सीध में इस तरीके से यहाँ पर ये जोड़ेंगे, और ये बाकी आप पार्ट क्या करेंगे इरेज कर देंगे। इस प्रकार आप इसको शो करेंगे, ये देखिए ऐसे ही आपने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, ये देखिए इस प्रकार। अब आप देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहीं से आपको एक दे रखा है, आप देख रहे हैं CRS 62, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 62 का अर्थ है 31 इस साइड, 31 इस साइड से और 31 इस साइड से आप बिलो की साइड एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस प्रकार ऐसे ही आप यहाँ से भी वर्टिकल सेंटर लाइन यहाँ पर आप क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आप एक बोल्ट के लिए जगह बनाएंगे, किसके लिए, बोल्ट के लिए जगह बनाएंगे, तो इसको पहले आप इस तरीके से जोड़ लें इस तरीके से, और ये देखिए इस बोल्ट का जो डाया है वो इन्होंने आपको यहाँ पर दिया नहीं है, तो आप यहाँ टॉप में देखिए कितना है ये 12, तो 6 इस साइड आपका जाएगा और 6 इस साइड, इस प्रकार सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आप करेंगे 6 यहाँ और 6 यहाँ, इस तरीके से। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, इस प्रकार से नीचे आ जाएंगे, इस तरीके से इसे लेकर ऐसे आप इसको हिडन लाइन से भी लेकर आए, इस प्रकार इस तरफ आप हिडन से काम करेंगे, इस साइड आप पूरा ड्रॉ करेंगे, इसको हम बाद में हिडन करेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो बोल्ट है इसका जो यहाँ पर हेड है ये कितने का है, 8 का, कितना 8 का है, और इसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे 20, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा 10 इस साइड और 10 इस साइड जाऊँगा, कितना 10 10 हम यहाँ पर गए देखिए, और इस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, कितना यहाँ पर हमें बोल्ट की वो लेनी है हेड, कितना लेना है 8, तो इस तरीके से ये देखिए, ये देखिए इस प्रकार, और इसको आप ऊपर ले जाएं देखिए इस तरीके से, ये देखिए इसको आप ऊपर ले जाएंगे ऐसे, और जो बाकी ये पार्ट है इसको आप क्या करें इरेज कर दें, इस पार्ट को आप क्या कर देंगे देखिए इरेज कर देंगे, और सेम एज इट इज़ जैसे यहाँ पर बना है वैसे ही आप यहाँ पर भी क्या करेंगे ये ड्रॉ कर देंगे, देखिए ये देखिए इस प्रकार। और आप कह रहे हैं कि इसके बाद भी यहाँ पर ये डिस्टेंस है वो आप कहाँ से पता करेंगे, यहाँ इस कास्टिंग के टॉप व्यू से, तो यहाँ से आप देखिए यहाँ से डिस्टेंस है 43 इस पॉइंट से, तो देखिए 43 आप इस साइड जाइए इस तरीके से एज इट इज़, यहाँ पर भी आपको 43 जाना है इस तरीके से, देखिए कितना जाएंगे यहाँ से 43, तो इस तरीके से आप जाएंगे नीचे, अब आ जाइए इस तरीके से, ये देखिए ये आप यहाँ पर नीचे आ गए हैं, और इस तरीके से आप यहाँ पर भी बिलो आ जाएंगे इस पॉइंट तक जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे, ये देखिए इस तरीके से आपने यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि यहाँ पर हल्का सा चैम्फर है, तो इसको आप थोड़ा क्या करेंगे इस तरीके से दिखाएंगे, चैम्फरिंग यहाँ पर दिखा देंगे, और यहाँ पर भी आपको यहाँ पर एक और लाइन दिख रही है क्योंकि यहाँ पर आपका सेक्शन में नहीं है,
तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक और लाइन यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। पहले आप इसी को चैम्फर दिखा दीजिए पहले इस तरीके से, फिर एक और लाइन आप यहाँ से दिखा सकते हैं इस प्रकार, आप दिखा दें फ्री हैंड आप इसको दिखा सकते हैं इस तरीके से। अब आप देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप दिख रहे हैं कि यहाँ पर एक होल भी है जिसकी जो लेंथ है वो 6 है, कितनी है 6 है, और इसका डाया यहाँ पर हमें गिवन नहीं है, पर ये बहुत ही यहाँ पर क्या है छोटा होगा इस तरीके से। यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये देखिए ये हमने यहाँ पर इतना पार्ट ड्रॉ कर दिया फ्रंट व्यू में। इसके बाद आप देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, ये पार्ट आपने ड्रॉ कर दिया इधर का आप सब हिडन रखेंगे। इसके बाद आप देखिए आपने यहाँ पर पार्ट वन कास्टिंग ड्रॉ कर ली है। इसके बाद जो आपका पार्ट टू है वो है आपका एक कैप, ये कैप आप यहाँ पर लगाएंगे। अब आप देखिए जब आप इस कैप को यहाँ पर लगाएंगे, देखें बाद आप देखिए कि आप कैप को ड्रॉ करेंगे तो इसका डाया भी आपका 19 ही है, तो इस प्रकार से सेम यहाँ पर एक पॉइंट है, इस प्रकार यहाँ पर एक आपका क्या ड्रॉ हो जाएगा, सर्कल आपका यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से 6 गैप लेंगे, कितना यहाँ से आपको लेना है 6, इस प्रकार आपने 6 यहाँ पर लिया, एज इट इज़ 6 ही आप यहाँ पर लेंगे इस प्रकार। अबव आपने 6 ऊपर ले लिया। इसके बाद आप देखिए इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो इसकी विड्थ है इस तरीके से, यार आप यहाँ तक आएंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए 6 आपका यहाँ पे गैप है, इस प्रकार से आप आए ऐसे। अब आप देखिए इतना ये बीच में इन दोनों के क्या है गैप रह जाता है, क्या रह जाता है गैप रहेगा। इसके बाद आप देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक और आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहीं से आपको एक और क्या मारना है, आर्क मारना है, वो कितने का है 38 का, कितना 38 का आर्क है, तो मैं यहाँ पर प्रकार में भर लेता हूँ 38 इस तरीके से भर लिया। अब आप देखिए यहाँ से आप इस तरीके से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे यही आर्क, यही आर्क आप कितने का ड्रॉ करेंगे 38 का, आपने यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपने ये ड्रॉ कर लिया, ये आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। इसके बाद आपको कितना अबव जाना है, यहाँ से देखिए कितना आप अबव जाएंगे 13, कितना अबव जाएंगे यहाँ से आप 13 ऊपर जाएंगे, देखिए कितना 13 आप ऊपर जाएंगे इस तरीके से, देखिए तो यहाँ से आप जाएंगे 13 अबव, ये देखिए, और यहाँ से भी ऐसे इस तरीके से आप यहाँ से ऐसे इस प्रकार आप ड्रॉ करेंगे, ये देखिए इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। और फिर आपको यहाँ से भी कितना जाना है ये भी आप देख लीजिए, 10 यहाँ से आप जाएंगे 10 इस तरीके से, ये देखिए इसको यहाँ पर आप जोड़ देंगे ऐसे सेम एज इट इज़, आप इस तरफ करेंगे इनको आप जोड़ देंगे। अब आप यहाँ पर देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये आपने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। इसके बाद आप क्या करें, इस पार्ट को, ये जो पार्ट है यहाँ पर जो एक्सीड हो रहा है पार्ट, इसको आप क्या कर देंगे इरेज कर दें, दोनों साइड से आप इस पार्ट को क्या कर देंगे और इरेज कर देंगे। और इस पार्ट में भी आप देख रहे हैं कि इस पार्ट में भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर बोल्ट के लिए सेम यहाँ पर आपको डायमेंशन लेनी है इस तरीके से, यही सेंटर और ये आपको यहाँ पर, ये सेम यहाँ पर आप डायमेंशन लेंगे बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या करेंगे सेम यहाँ पर डायमेंशन क्या करनी है आपको लेनी है। तो यहाँ तो आप हिडन लाइन से ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये पार्ट तो आपका जो राइट हाफ है वो तो आपका सेक्शन में नहीं आएगा, आपका जो है वो लेफ्ट हाफ सेक्शन में आएगा। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब आप देखिए जो बोल्ट आप यहाँ पर लगाएंगे इसकी लेंथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से इसकी लेंथ जो है 73 है, कितनी 73, तो आप देखिए यहाँ से इसको 73 तक आप बढ़ा दीजिए इस तरीके से, कितनी 73 तक आप इसको बढ़ा देंगे ऐसे, ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके से आप इसे ड्रॉ करेंगे। सेम एज इट इज़ आप यहाँ पर भी इसको इस लेंथ तक बनाएंगे, देखिए ये देखिए इस प्रकार हमने यहाँ पर भी ये ड्रॉ कर दी। यहाँ पर आप स्क्वायर बोल्ट यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, कौन सा बोल्ट यहाँ पर इंसर्ट करेंगे आप, स्क्वायर बोल्ट। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से स्क्वायर का जैसे आप बनाते हैं इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे स्क्वायर बोल्ट आपने यहाँ पर ड्रॉ किया। अब आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर लॉक नट लगाएंगे, देखिए जिसकी जो हमारे पास लेंथ है यहाँ पर जो अब इसकी हेड की जो नट का जो हेड है इसकी देखिए जो लेंथ है वो 6 है, तो देखिए 6 आप यहाँ पर लेंगे इस तरीके से, कितना लेंगे आप 6, देखिए इस प्रकार यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर क्या लगाएंगे एक लॉक नट लगाएंगे जिससे यहाँ पर ये जो बोल्ट है वो आपका निकले ना, इसलिए आप लॉकिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे
आपने सबसे पहले एक लॉक नट बनाया, इसके बाद आप यहाँ पर एक हेक्सागोनल नट लगाएंगे, देखिए जो भी सेम इसी प्रकार का है, बस उसकी लेंथ क्या है 10 है। कितनी लेंथ है इसकी 10, इससे थोड़ा बड़ा आपको लगेगा इस तरीके से, ये देखिए ऐसे आप यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं इस प्रकार, ये देखिए इस प्रकार ये आप ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, ये देखिए एज इट इज़। आपको यहाँ पर भी ये सेम चीज़ बनानी है जो हमने यहाँ पर बनाई है, तो इस प्रकार यहाँ पर बनाएंगे, देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए आपने यहाँ पर लॉकिंग नट और हेक्सागोनल नट यहाँ पर लगा दिए हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक होल है इस तरीके से, 13 लेंथ नीचे 6 डायमीटर है इसका, कितना 6 डायमीटर है, तो देखिए 3 इस साइड और 3 इस साइड आप जाएंगे, ये देखिए कितना आप यहाँ से नीचे आएंगे 13, कितना 13 आप नीचे आएंगे, देखिए इस तरीके से, ये देखिए ऐसे आप यहाँ पर जा रहे हैं नीचे, ये देखिए अब यहाँ पर होल है, तो इस प्रकार से मैं इसको यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। इसी के नीचे आप देख रहे हैं एक ऑयल होल है जिसका डाया 4 है, जिसका डाया क्या है 4 है, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये आप यहाँ पर आपने यहाँ पे ऑयल होल भी यहाँ पर देखिए ड्रॉ कर लिया है, कैप में लगा हुआ है ऑयल होल इस प्रकार। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर एक स्नग टाइप भी यहाँ पर लगे हुए हैं दो, इनको भी आप यहाँ पर हल्के से आपको दिखेंगे ये, पर ये ड्रॉ होंगे इस प्रकार। अब आप यहाँ पर देखिए इसके बाद आपको क्या लगाना है, ब्रास। इसके बाद देखिए ब्रास आपको यहाँ पर लगाने हैं, तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि आप देखिए आपको लेफ्ट हैंड साइड, देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड हम सेक्शन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको ये दिखेगा, तो सबसे आउटर आप देखिए जो ब्रास है वो कितना है आपका 50 का, वो कितना है 50 का, तो आप 25 कितनी लेंगे रेडियस लेंगे, और एक यहाँ पर सबसे आउटर बनाएंगे ब्रास इस तरीके से, ये देखिए सबसे आउटर इस साइड बनाएंगे आप ब्रास यहाँ पर बनाएंगे, देखिए ये आपका लेफ्ट है, क्या है आपका लेफ्ट, तो इस तरीके से आप इसको प्रॉपर ड्रॉ करें, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये सबसे आउटर ब्रास है, ये आउटर ब्रास है सबसे, इसके इनर आप देखिए सबसे छोटा है 25, तो आप यहाँ पर 12.5 की रेडियस लेंगे इस प्रकार, और ये सबसे छोटा इस तरीके से आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, देखिए इस तरीके से सबसे छोटा आपने यहाँ पर ड्रॉ किया। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो आपका लेफ्ट साइड है, जो आपका लेफ्ट साइड है वो प्रॉपर सेक्शन में है, वो क्या है प्रॉपर सेक्शन में, और यहाँ पर और आप यहाँ पर डिटेल दिखा सकते हैं कि एक यहाँ पर 38 का है वो आपको यहाँ पर तो दिख रहा है 38 वाला, और यहाँ पर एक और यहाँ पर है 35 का, कितने का 35 यानी 17.5 का आपको यहाँ पर बनाना है, यानी ये जो हमारा है इससे थोड़ा नीचे आपको ये बनाना है, ये वाला सर्कल, ये देखिए इस तरीके से, यह आपने एज इट इज़ जैसे ब्रास दिया था इस प्रकार आपने यहाँ पर ये ब्रास यहाँ पर दिखा दिया। बस यहाँ पर अंतर ये है कि जब आप इसको यहाँ से देखेंगे यानी राइट से देखेंगे तो वो सेक्शन पार्ट नहीं है, यहाँ पर ये आपको हिडन में लाइन दिखाई देंगी, जैसे आप ब्रास में देख रहे हैं हिडन में आपको यहाँ पर ये पार्ट शो होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ये जो कास्टिंग है इसमें क्या करता हूँ हैचिंग करता हूँ, देखिए सबसे पहले इसमें हैचिंग करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको गिवन है वैसे ही आप क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड हैच करेंगे, देखिए हैच करेंगे। उससे पहले आप देखिए यहाँ पर आपको ये दो होल भी दिख रहे हैं, ये होल भी आपको यहाँ पर ड्रॉ करने होंगे, देखिए होल इस तरीके से इनका 16 डाया है, तो 8 आप इधर जाएंगे और 8 इस साइड आप जाएंगे, देखिए 8 एंड 8 इस प्रकार, ये देखिए ये इस तरीके से, यदि आपको इसको क्योंकि फाउंडेशन में यदि आपको फिट करना है तो फिर आपको यहाँ पर होल देने पड़ेंगे इस प्रकार, 8 8 है इस तरीके से। अब आप यहाँ पर हैच कीजिए, ये देखिए आपने कास्टिंग में यहाँ पर हैचिंग कर दी, ये जो पार्ट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था ये सर्कुलर, ये आपको यहाँ पर शो नहीं होगा लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको राइट्स में दिखेगा क्योंकि ये पार्ट आपका सेक्शन नहीं है। अब आप देखिए कास्टिंग में भी आप क्या करेंगे हैचिंग करेंगे, किसमें कास्टिंग में, देखिए हमने यहाँ पर इस प्रकार इस तरीके से हैचिंग की है, तो इसमें आप उल्टी करेंगे हैचिंग, यहाँ पर देखिए हमने इसके विपरीत यहाँ पर हैचिंग कर दी है, तो आप यहाँ पर भी इसके अपोजिट ही यहाँ पर हैचिंग करेंगे, कहाँ पर ओनली लेफ्ट साइड में, देखिए तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार आपको ये कैप शो होगी, और ये आपका बीच में आपको क्या दिख रहा है ब्रास है, ये क्या है आपका ब्रास है। इस तरीके से आपने यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया फ्रंट व्यू ऑफ पेडेस्टल बियरिंग
प्लम्बर ब्लॉक। अब आप यहाँ पर क्या करें, डायमेंशन दे दें, इनके पार्ट के नाम दिखा देंगे कि ये आपकी कास्टिंग है, ये आपका स्क्वायर बोल्ट है, ये लॉक नट है, ये हेक्सागनल नट है, ये कैप है, ये ब्रास है, इसको आप शो कर दें और डायमेंशन भी दे देंगे। देखिए तो देखिए इस प्रकार आपने यहाँ पर सभी पार्ट्स जो हैं वो शो कर दिए हैं कि यहाँ पर क्या आपका ब्रास है, क्या बॉडी है, क्या कैप है, क्या लॉक नट है, क्या हेक्सागनल नट है, क्या बोल्ट है। इस तरीके से आप यहाँ पर शो कर देंगे सभी चीज़ों को। ये देखिए यहाँ पर भी आप शो कर सकते हैं, स्नग है ये पार्ट। तो इस प्रकार से आप जो है सभी पार्ट्स को शो कर देंगे। ऑयल होल को भी आप शो कर सकते हैं और डायमेंशन भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। और इसके नीचे आप लिखेंगे फ्रंट व्यू लेफ्ट हैंड इन सेक्शन। अब लेफ्ट हैंड आप दिखाएंगे यहाँ पे कि जो लेफ्ट हैंड है वो कैसा है, सेक्शनल व्यू। लेफ्ट हैंड फ्रंट व्यू जो है वो आपका कैसा है, सेक्शनल है। कैसा, सेक्शनल पार्ट है। तो इस तरीके से वीडियो यहीं पर एंड होता है, जिसमें मैंने केवल फ्रंट व्यू ड्रॉ किया है। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप तरी सकते अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें। और मशीन ड्राइंग की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।